कोई भी महंगा सामान पहन कर तथा साथ में ज्यादा रुपया पैसा लेकर स्नान न करें। स्नान करते समय गिर जाने, भीड़ में छूट जाने, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग अभी सुबह हो गया और अभी उठ गए हैं, आपको ले चलते हैं बाहर की हलचल दिखाते हैं, क्या है क्या नज़ारा है क्या ये आपको दिखाते हैं। हलचल देखिए कुछ इस प्रकार से है, और अभी सूरज निकला नहीं है और थोड़ा थोड़ा कुहा किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी किया हुआ है अभी। और देखिए गैया जो गाय है अभी खा रही है, निकाल दिया गया बाहर में खाने के लिए लगा दिया। इधर का व्यू कुछ इस प्रकार से है सुबह का, और ये रहा पंडित जी के घर। ऊपर छत के ऊपर का व्यू इस प्रकार से दिखाते हैं क्या है। और इधर का व्यू देखिए, मॉर्निंग का जो व्यू है कुछ इस प्रकार से है। और इधर देखिए पीछे हरा भरा, और थोड़ा थोड़ा आज सुबह में कुहा किया हुआ है और से है। पूरा मैया देखिए, और इधर चिड़िया चहचहा रही है सुबह सुबह। की बहती हवाओं से था वो, उड़ती पतंगों से था वो, कहाँ गया इसे ढूंढू। उठ गया, और इधर खाने के लिए सामान रेडी करते हैं अभी। आप पूरा हलचल दिखा देते हैं। इधर देखिए अभी इधर कर गया इधर है, अरे अभी जूता पहन रहा इधर, बैगन लगल है पूरा दम, और पीछे से आ रहा है घास पूरा लगल है सुबह सुबह। इधर बच्चा देखिए टहल रहा है, इधर का व्यू गलती बताओ तेरा। और हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य भगवान देखिए निकल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इधर देखिए गेहूं तैयार होने वाली है, एकदम पूरा गेहूं में है कुछ इस प्रकार से बनगा। फ्रेंड हम लोग जब रूम से निकलते हैं तो एक छोटा सा नदिया पार कर पड़ता है हम लोग को, और छोटा सा नदिया पार करके रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, वो नदिया हम आपको दिखा देते हैं। देखिए नदिया है, देख रहे हैं ये शॉर्टकट रास्ता है, ये लोग नदिया पार कर रहे हैं, छोटा सा ये शॉर्टकट। और हम अभी पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन, और इधर पूरा सरसों लगल है। और देखिए सुबह सुबह टहलने में बहुत ही जो है सेहत के लिए स्वस्थ रहता है, और जब सुबह सुबह कोई लोग टहलता है तो उसका हाथ पैर जो है ब्लड सर्कुलेशन का क्रिया एकदम बढ़िया रहता है। तो आप लोग भी सुबह सुबह को टहलिए। अभी देखिए हम लोग रेलवे क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन आ गए हैं, राजगीर का रेलवे स्टेशन। आए गाड़ी लगी हुई है निकलने के लिए, बिहार शरीफ पटना उठना जाएगी।
और हम लोग अभी रेलवे ट्रैक पर हैं और रेलवे ट्रैक से निकल अभी निकलने वाले हैं और हम लोग भी और उसी समय में आप कुंड पहुँचेंगे और कुंड की तरफ में हलचल क्या है जो हम आप लोग को पूरा दिखाएंगे और क्या है क्या क्या चीज़ है पूरा दिखाएंगे हम। और इधर देखिए ये सब रहा रेलवे कर्मचारी का क्वार्टर, इसमें सब में रेलवे कर्मचारी रहता, रेलवे कर्मचारियों को रहने के लिए। और यहाँ पर देखिए अशोक का पेड़ भी है बगल में, बहुत ही ढंग से बनाया गया है सब तो क्वार्टर को। गार्ड एवं ड्राइवर के लिए है ये, समय है यहाँ पे पानी टैंक ना, पानी टैंकी देख पा रहे हैं। इधर राजगीर का थोड़ा नज़ारा, गाँव का ही मकान है और एक आदमी उधर से निकलेगा। ये देखिए निकल चुका है जो है हमारे गांव में एक लड़का है और निकल चुका है कुंड नहाने के लिए, रेडी करने के लिए। बस आ चुका है अभी और बिहार से जो बस निकल गया, बस स्टैंड करना चाहिए कुछ इस प्रकार से खाली खाली सा है। नालंदा डीएमसी बिहार शरीफ रोड अगर बस आ सुबह। राजगीर के मात्र एक मॉल खुला है जो फेमस है, यहाँ पे बहुत महंगा महंगा कपड़ा मिलता है, आप आइए और लीजिए इसमें। और यहाँ देखिए आलू उतर रहा है मार्केट, और यहाँ पे देखिए बूट जो है, अरे बस स्टैंड का सीन है अच्छा। दुर्गा स्थान मंदिर रहा है गिरियक रोड, और बस स्टैंड से आइएगा तो देखिए यहाँ पर टमटा भी मिल जाएगा, और यहाँ पर टमटा मिलेगा पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है और इससे ट्रैवलिंग कीजिएगा। अब जैसे ही बस स्टैंड से आगे निकलेंगे गाड़ महादेव की ओर, तो यहाँ पे सब्जी के लिए एक मंडी लगता है, यहाँ पे सब्जी जो है अच्छा रेट में मिल जाता है, उधर से आपको 2 रुपया सस्ता मिलेगा। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे सब्जी की मंडी ये है गाड़ महादेव रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो है धाम शंकर भगवान के है मंदिर, और यहाँ पे शादी विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग यहाँ पे आके अपना शादी विवाह अपना दिन का शुरुआत यहाँ से करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आगे जाइएगा तो शनि महाराज की मूर्ति है आगे, वहाँ पे जिस समय मलवास मेला लगा था आज से करीबन 6 साल पहले, वहाँ पे एक चक्रवात आया था, उसमें उस वहाँ पे एक बहुत भारी विशाल का एक वृक्ष था पीपल का, वो टूटा था, वहाँ पे बहुत सारा आदमी की मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे शनि महाराज की मूर्ति स्थापित किया गया है। और यहाँ पे देखिए शनि महाराज की मूर्ति रहा है यहाँ पे घटना, और ये रहा देखिए मेनुवन, मेनुवन का गेट है, गेट नंबर 1 यहाँ पे है, यहाँ से एंट्री मिलता है, आप जब अंदर में जाएंगे तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा, 20 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। और इधर का व्यू इस प्रकार से है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि आज जाने के लिए देखिए क्या होता है। यहाँ कुंड पर हम अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और देखिए पहाड़ पे मंदिर जो झलक रहे हैं भगवान शिव की मंदिर है पर्यटन के लिए, वहाँ पे देखिए बहुत सारा जो गाड़ियाँ हैं दुकानें हैं यहाँ पे लगाया गया है श्रृंगार वगैरह के घर में खासी। क्योंकि यहाँ पे साल भर यहाँ पे पितृपक्ष मेला गया में लगता है, तो सबसे पहले गया के बाद एक राजगीर में लोग आते हैं। देखिए बाबा अम्बेडकर के संविधान बाबा अम्बेडकर की चौक पर है यहाँ पे, 14 अप्रैल 1891 की इनको जन्म हुआ था, हर हर गंगे जल नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया, बट अभी चालू नहीं हुआ है, कहीं पे पानी वानी देता नहीं है। आगे है जापानी मंदिर, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए तो अपनी बेनुवन है, यहाँ बेनुवन का 1st गेट है, यहाँ पे भाग यहाँ से भाग, ये आगे जाके थोड़ा ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे है जापानी मंदिर।
जान के ही जमानो पार्किंग की व्यवस्था किया गया हमारे लगा के आप कुंड स्नान आराम से कीजिएगा। और ये रहा कुंड का जो है मुख्य द्वार, और इसके बाद आप अंदर प्रवेश करिएगा तो थोड़ा सा सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्नान का मौका मिलेगा। और जब कुंड पे आइएगा तो यहाँ पे जैसे दतमन उतमन लेना रहेगा और शैम्पू वगैरह तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, उनके जस्ट नीचे ही मिल जाएगा आपको, और यहाँ से उठा करके आप जाके स्नान कर सकते हैं। पानी चलता भाई देखिए राज कितना भगवान की तरह अच्छा किया है। और यहाँ पे कुंड पे बहुत सारे जो हैं निधन व्यक्ति बैठे हुए यहाँ पे, और आके इसको दान पुण्य जरूर कीजिएगा, आइएगा तो ज़रूर दान कीजिएगा। और हम लोग अभी कुंड के जस्ट सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने वाले हैं, देखिए सीढ़ी है यहाँ से स्लोपिंग रास्ता भी है और उधर से सीढ़ी का भी व्यवस्था है। अगर आप ठंडा के दिन में आना चाहते हैं तो ये जो है यहाँ पे ठंडा जल इसमें गिरता है, और इसमें कुछ पे किया जाता है, कुछ पैसा वैसा लगता है, तो 30-50 रुपये लगता है यहाँ पे। और आके इसमें बढ़िया ढंग से पूर्ण रूप से आप स्नान कर सकते हैं, बगल में ही है। और इधर का देखिए लुक कुछ इस प्रकार से है, और उससे अभी पानी गिर रहा है, देखिए बहुत ही जस्ट वीडियो कर जस्ट मुख्य द्वार पे आ चुके हैं, और यहाँ से एंट्री मार के यहाँ पे आपके रास्ता है, यहाँ पे साबुन लगाने के भी रास्ता है, जहाँ साबुन लगाने की व्यवस्था किया गया है। और यहाँ से देखिए ब्रह्मकुंड जाने के लिए, और इधर से साबुन का जो है साबुन का कुंड है, साबुन लगा के आप इनका स्नान कर सकते हैं। ये रहा देखिए साबुन का कुंड, साबुन धरती है जरासंध के ही जमाने से, और यहाँ पे जो जरासंध थे यहाँ पे निवास करते थे। ये पाचे पहाड़ियों से घिरा हुआ है कुंड, प्राचीन काल से उसी समय से है जिस समय यहाँ का राजा जरासंध हुआ करता था, और यहाँ पे उस समय कुछ इस ढंग से नहीं था, कुछ एक अंग्रेज के ज़माना का एक बिल्डिंग है बगल में ही, तो देखिए किस प्रकार से टूट गया है, उसका मतलब काम नहीं किया गया, और पुल को भी मरम्मत करके थोड़ा अच्छा ढंग से बनाया गया। तो आप राजगीर आइए, घूमिए, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे गर्म पुल का झरना है, और स्नान करिए, आप इधर आराम से आ सकते हैं। कोई भी महंगा सामान पहन कर तथा 7 से ज्यादा रुपया पैसा लेकर स्नान न करें। स्नान करते समय गिर जाने, भीड़ में छूट जाने, लोगों के बीच सुरक्षित रखकर स्नान करें। गिर जाने या खो जाने पर व्यवस्थापक सुखद यात्रा की हम सदैव कामना करते हैं। याद रहे जो भी तीर्थ यात्री आधार कार्ड के जाने कैसे हाथों में हो गया अभी तक। हम लोग अभी आ चुके हैं कुंड से जस्ट ऊपर में, कुंड हमारे नीचे है, वहाँ से हम लोग सहारे देखिए, वहाँ से सीढ़ी है, और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और इधर
का व्यू को देखिए कुछ इस प्रकार से है और बहुत ही थोड़ा इस समय अभी थोड़ा कोहरा किया हुआ है। और ये जैसे कुंड के जस्ट बगल में ही पांडु पोखर है और पांडु पोखर में टिकट लगता है इसमें और बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन आते हैं घूमने के लिए। और अभी का जो सुबह सुबह का जो व्यू है बहुत ही अद्भुतनीय है, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड और इधर का देखिए और इस साइड में भी है तो पता भी नहीं लग रहा है क्योंकि जो है दिखाते हैं अभी आपको, पता नहीं लगने के कारण क्योंकि कोहरा किया हुआ है इसलिए पता नहीं लग रहा। और ये देखिए मेरा दोस्त है जो बहुत पुराना दोस्त, बहुत दिन के बाद मिला है आज और पता नहीं कैसे किसे मिल गया। अभी निकल रहे हैं और गुरलिया और मेरे साथ में जो लड़का था वो आगे निकल रहा है। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आज का मेरा यही ब्लॉग था। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, खुश देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत। वीडियो को हम एंड करते हैं और यहाँ से हम लोग घूर के जा रहे हैं।